हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए आज लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 चैप्टर हमारा क्या चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 में आज हमें जो पढ़ना है दैट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। हेडिंग डालिए बच्चों, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ए एफ बी ए यू बी ए यू एपोस्ट्रॉफी एस प्रिंसिपल। अब अफवाऊ प्रिंसिपल को सुनकर के आपको ये लग रहा होगा कि अफवाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफवाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। तो एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा लॉ है, नीट में क्वेश्चन आया था, जो उसके साइंटिस्ट के नाम पे नहीं दिया गया है, तो अफवाऊ प्रिंसिपल है। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे रूल हैं, पाउलीज प्रिंसिपल था, अभी हम हुंस रूल पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था, बोर्स के मॉडल थे, बट इस चैप्टर में एक यही प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये क्या है, जर्मन वर्ड है। ओके, तो अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, मतलब बच्चे लोग ये जर्मन वर्ड है, जर्मनी का शब्द है। ओके, और इसका मतलब होता है जी कंस्ट्रक्शन, इट्स मींस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करना। तो हम ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ये हमको बताता है, इट टेल्स अस, मैं सारी बातें लिख भी रहा हूं सुना भी रहा हूं। इट टेल्स अस फॉर नंबर वन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां भाई, कहां होगी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, सब शेल के भीतर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ये हमको बताएगा कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ओके, इन विच सब शेल द इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट, ये बात हमको इससे पता चलेगी। ओके ओके, तो कहने का मतलब ये कि इसमें हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सबशेल में जाएगा या किस ऑर्बिटल में जाएगा। ओके, तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से सबशेल, विच सबशेल, विच सबशेल ऑब्लिक विच ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, हाँ कई बातें हैं, एक है कौन सा सबशेल और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल। ओके, विच सबशेल, धीरे धीरे सीखने में समझ में आएगा, अभी बस ये ऊपरी बात है, अभी आप ऑर्बिटल को भूल जाओ, अभी आप केवल ये याद रखो विच सबशेल। ओके, विच सबशेल, जैसे आपको याद होगा कि आपके पास यदि शेल नंबर है 3, ऑर्बिट 3 है, ऑर्बिट 3 है, तो 3 ऑर्बिट थे, इसके अंदर कितने सबशेल होते थे, 2 कि 4, 4 होते थे भाई, है ना, पहला 3s 3p 3d, सही बोल रहे थे, चार नहीं होते हैं, 3s 3p और 3d, क्लियर हुआ ना, तीन सबशेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता उतने ही सबशेल होते हैं, मैंने बताया भी था वीडियो में, थ्री ऑर्बिट है तो 3 सबशेल, दो ऑर्बिट एन इक्वल्स टू 2 में दो सबशेल होते थे, वन इज फर्स्ट इज 2s, सेकेंड इज बेटा 2p, सही बोल रहा हूँ ना, एक 2s है और एक 2p है, क्लियर। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं उतने सबशेल होते हैं, फर्स्ट शेल में केवल एस सबशेल होती है, होती है ना, कोई दिक्कत, बोलो, चलो तो ये हो गया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सबशेल में जाएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, तो आपके पास n इक्वल टू 3 में भर रहे हो, तो पहले 3s में जाएगा कि 3p में जाएगा कि 3d में जाएगा, इसके बारे में आपको ये बताएगा, दैट इज विच रूल ऑफ बाउस प्रिंसिपल। कोई डाउट है, क्लियर हुआ ना, चलो ओके अब देखो रूल क्या कहता है, पहले मेरी भाषा में, सिंपल भाषा में अफबाउज रूल क्या कहता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का कंसेप्ट है कि जिस ऑर्बिटल या जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होती है, जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। ओके, तो जिस ऑर्बिटल या जिस सबशेल की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाता है। अब सवाल आपके सामने आता है, सर हम कैसे जानेंगे कि किस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है, सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि किस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है,
तो बच्चे इसके लिए यूज होता है बेटा एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल। बहुत ही सिंपल है, एन प्लस एल रूल का पता लगा लो आप। अगर आपको एन प्लस एल पता चल जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे मान के चलो आपके पास दो सबशेल दिए हैं, एक एस सबशेल दिया है, एक पी सबशेल दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब एस सबशेल दिया है, पी सबशेल दिया हुआ है, मेरे को शेल भी देनी पड़ेगी। मान लो बेटा 2s और 2p, दो सबशेल मैंने दे दिए, ये सेकेंड ऑर्बिट की एस सबशेल है और ये सेकेंड ऑर्बिट की पी सबशेल है। अब मुझे पता लगाना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, समझ गए ना। जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। दुनिया के सारे आदमी कम लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करते हैं, तो बेटा जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका n प्लस एल कितना होगा। बेटा n प्लस एल कितना, बेटा n तो सबके लिए, दोनों के लिए दो है, क्योंकि ये भी दो है और ये भी दो है। बेटा याद आया, अब आपको याद होगा s मतलब सेकेंड n इक्वल टू टू है, तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन। याद आया, मैंने लिखाई थी ना l, l s, देखो याद करो l की फॉर्म, l की वैल्यूज, s s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0, P सबसेल के अलग की वैल्यू 1 और D के लिए कितनी 2। याद आया, यस, तो ये वैल्यू पुट करते जाओ तो L S सबसेल के लिए इसकी वैल्यू 1, नाउ इसके लिए वैल्यू कितनी 2 प्लस सॉरी 1, इसकी वैल्यू कितनी 2 प्लस 2, N तो 2 है बेटा, L कितना हुआ इसका 2, तो कितना हो गया बेटा 4। बताओ कम वैल्यू किसकी आई, 3 S सबसेल के लिए आएगी, P सबसेल के लिए आई, S सबसेल के लिए आई। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, यस, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा बेटा 2p में। आया ना समझ में। तो आइए हम हर एक सबशेल की हम निकालते हैं वैल्यूज n प्लस एल, ओके। तो बेटा ये रूल ये कहता है कि जिसका n प्लस एल कम हो आपका इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उस सबशेल में पहले फिल होगा, समझ में आया, ओके। चलो तो भाई निकाल लेते हैं, एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ। ऑर्बिटल या सबशेल की एनर्जी कम ज़्यादा पता करने के लिए हम n प्लस एल रूल का यूज़ करेंगे और n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंगली जिसका n प्लस एल कम आएगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलो आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इसको करने के पहले आप याद रखिएगा, मैं कुछ ऑर्बिटल, मैं आपको सबशेल का एल की वैल्यू बता देता हूँ बेटा। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, D सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 2, F सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 3, तो 0, 1, 2, 3, ओके। यहाँ मैंने L की वैल्यूज लिखी हैं, ओके, एंड यहाँ पे मैंने SPDF वैल्यूज लिखी हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब नाउ हम क्या कह सकते हैं इस रूल से, हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रपोर्शनल टू N प्लस L, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। जिसका एन प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका एन प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और आपको मैंने बता दिया है कि हर इलेक्ट्रॉन या दुनिया की सारी स्पीसीज, ये फिजिक्स का लॉ है, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाना पसंद करते हैं, कोई भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे पसंद करता नहीं है, ओके। चलिए आइए तो एग्जाम्पल दे लेते हैं कुछ। मैं आपके सामने दे रहा हूँ आपको एक 2s सबशेल और एक 2p सबशेल, 3p सबशेल, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने आपके सामने ले ली 2s सबशेल और एक मैंने ले ली आपके सामने कितनी बेटा 3p। चलिए n प्लस एल की वैल्यू, बेटा n तो दिख रहा है इसका, n प्लस एल, n तो साफ दिख रहा है बेटा, क्या है 2 है, सेकेंड ऑर्बिट की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है बेटा, थर्ड ऑर्बिट की बात। तो n, n की वैल्यू इसमें भी n प्लस एल निकालेंगे तो n इसका है कितना 3। डन डन, क्या अभी कर रहा हूँ ना, अभी तो l की बात करूंगा ना, अभी तो मैंने n की बात करी है बेटा। चल बेटा 2s के लिए कितना हुआ 0, ये आंसर कितना आया बेटा 2, और इसमें p में कितना आएगा बेटा 1, तो ये कितना आया 4। बेटा बताओ n प्लस एल किसका कम आया, 2s का कि 3p का, 2s का, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा 2s में, है ना, 2s ऑर्बिटल में, 2s सबशेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p में बाद में जाएगा, क्लियर हो गई ना बात। हाँ तो आपसे यदि मैं इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लूँ कि यहाँ पर किस, अब मैं ये देखो एक सवाल तो हुआ, बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो 2s में जाएगा कि 3p में जाएगा, 2s में। दूसरा सवाल, इसमें से किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, 3p की, किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है 3p की, समझ गए ना। अब 3p जब बनाओगे बेटा तो आपको याद होगा 3p के भीतर p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, याद आया ना। तो 3p में ही जब हम ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे, देखो ये सबशेल थी, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल आएंगे बेटा, इसको 3px, 3py, 3pz बोलते हैं आप लोग, है ना, तो इसके अंदर ये ऑर्बिटल आएंगे। हाँ अब याद रखना बेटा हर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है,
हर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, समझ गए ना। इसमें कोई कम ज्यादा एनर्जी वाला नहीं होता है, जितनी एनर्जी यहाँ होती है जितनी एनर्जी यहाँ होती है, समझ गए ना। तो कंपैरिजन आपने किसका किया है, कंपैरिजन आपने 2s के ऑर्बिटल और 3p के ऑर्बिटल का किया है। अब इनमें आपस की एनर्जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, सारे सेम है, सारे सेम है, घर के सारे कमरे सेम है, ओके। हाँ चलिए, तो ये हो गई एक बात। सो यहाँ पे 3p की एनर्जी ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें फिल होगा बेटा, 2s में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए आइए, अब मैं आपके सामने ऑर्बिटल लिखते जाता हूँ और उनकी एनर्जी आप देख के कंपेरेटिव एनर्जी लिखते जाएंगे, अपन n प्लस n लिखते जाएंगे, ओके। चलिए फर्स्ट में लिखता हूँ बेटा आपके सामने 1s, कौन सा ऑर्बिटल, 1s, फर्स्ट ऑर्बिटल मैंने आपके सामने लिख दिया 1s, ओके, ये है 1s। देन इसके बाद मैंने बेटा लिखा 2s, देन इसके बाद बेटा 2p, देन इसके बाद मैंने लिखा 3s, देन 4p, फिर 4s, ठीक है ना बेटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है, सेकेंड शेल में बेटा दो सब शेल होती हैं, क्योंकि सेकेंड सेल में s और p दो सब शेल होती है ना, यस, l की वैल्यू 2 होती है। थर्ड सब शेल में l की वैल्यू कितनी होती है, 3, है ना, 3s, गलती हो गई, 3p 3d नहीं लिख पाया मैं, 3p, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे मैं इस हिसाब से, है ना, 3p और फिर क्या 3d। अब आ जाओ बेटा 4s पे, तो 4s, 4p, 4d और क्या बेटा 4f, ये तो पढ़ा रखा है ना मैंने। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे इन सब के n प्लस l काउंट कर रहे हैं, n प्लस l, तो n तो दिख रहा है बेटा 1 है इसका, इसका कितना है 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 3, 4, 4, 4, 4, प्लस 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 प्लस, ओके, सारे प्लस लगा दिए। अब हमको l की वैल्यू चाहिए, अगर आपको यदि सबसेल याद है, s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, इतना घोट लोगी याद हो जाए यार, इसके लिए 0, ओके, इसके लिए कितनी बेटा 0, 2p के लिए कितना 1, 3s के लिए कितना बेटा 3s का, s का 0 होता है, p का कितना होता है बेटा 1, d का कितना होता है 2, बोलो हाँ, क्लियर हुआ ना, हाँ। और 4s, भाई ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि 3 की 3 सेल हैं तो सब सेल 3 ही होंगी, अब ये तो मन में नहीं आ रहा कि सर 3 का d क्यों, 3 का मतलब s क्यों नहीं होता, मैंने बता रखा है क्योंकि इसके क्वांटम नंबर l 3 निकलते थे, है ना, 0 से लेके n तक, यस, 4s, 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3, समझ में आया बेटा, 4 प्लस 3 ये हो गया। अब चलिए देखिए वैल्यू निकालते हैं, तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 एंड 4 प्लस 3 7, ये देखिए n प्लस l आपके आ चुके हैं, n प्लस l आपके आ चुके हैं, क्लियर हो गया ना। अब यदि इसको मैं अरेंज करूं तो चलिए सबसे पहले क्या एनर्जी फिलिंग ऑर्डर क्या होता है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा 1s में, फर्स्ट s में, ओके, मतलब फर्स्ट शेल, उसमें तो एक ही है, मतलब फर्स्ट सेल के फर्स्ट सब शेल में जाएगा, ओके। देन 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन बेटा, 2s में, 2s के बाद देखो 1, 2 हो गया, 2 और कोई तो नहीं है ना, नहीं है। अब आ जाओ बेटा 3, ओहो 3 दो है बेटा, एक 2p वाला एक 3s वाला, क्योंकि n प्लस l की दो वैल्यू क्लैश हो रही 3 की, एक 2p में और एक 3s में, मतलब 2p सब सेल भी वैल्यू कितनी दे रही है n प्लस l की 3, और 3s सब सेल भी n प्लस l की वैल्यू कितनी दे रही है 3। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो बेटा यदि मामला यहाँ पर यदि मामला टाई होता है, ड्रॉ होता है, दोनों सेम हो गए ना, तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में जाएगा जिसके लिए n कम है, n क्या है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, n की वैल्यू कम है। तो देखो बेटा n किसका कम है, 2 का कि 3 वाले का, 2 का, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, बाद वाला किस में जाएगा 3s में। तो चलो आ जाओ बेटा 2s के बाद क्या बेटा 2p, चला गया ना, हाँ, इसके बाद किसका नंबर लगेगा बेटा 3s का, चलो 3s, 3 तक पहुंच गए थे, 4 पे आ जाओ, ओए फिर से टाई हो गया, 3p और 4s दो मिल रहे हैं 4 वाले, तो देखो बेटा दोनों मामला टाई हो गया, फिर से क्या रूल लगेगा बेटा, n देखो ये 3 वाला है ये 4 वाला है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 3 वाले की कि 4 वाले की, 4 वाले की ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, हाँ ये हुई बात, बिल्कुल सही, तो इलेक्ट्रॉन बेटा पहले 3 में जाएगा, 3p आ गए,
3s हो गया, 3p हो गया, अब चलो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है 4, 4, 4, 4 वाली आ गई, अब 5 पे आ जाओ बेटा। देखो एक ये है, एक ये है 3d 4p, ये देखो बेटा 5 वाले। तो बोलो बेटा किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले? 3d में जाएगा, तो 3s के बाद 3p और इसके बाद यहाँ पे 3d लिख दो, तो 3d में इलेक्ट्रॉन गया, है ना। मैं n इक्वल्स टू ऑर्डर 1, 2, 3 वाला फॉलो कर रहा हूँ, है 3s 3p 3d। अब इसके बाद बेटा आ जाओ 4s पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ। इसके बाद 4s देन 4p देन 4d, ये पहले मैं लिख दिया ऐसा। अब देखो ध्यान से, अब देखना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। 3 तक तो तुमको समझा दिया मैंने कि 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, फिर 3s में गया, फिर 3p में गया, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा? उसके बाद इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d में, किस में जा रहा है? 3d में, क्लियर हुआ ना। देन इसके बाद देखो 4s कहाँ गया? ये 4s का कितना आया? 4। देन इसके बाद कितना आ गया बेटा? देखो 4s का 4 है, अब 4s का 4 आ चुका है, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा कि 4p में जाएगा? हाँ यस, फिर से देखो, कंफ्यूज मत होना। हम कहाँ तक आ चुके थे बेटा? हम 3p तक आ चुके थे, 3p तक 4 था। अब 5 में, मतलब लिखने का तरीका तुम देखो, पहला गया 1s में, ये एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है, ये मैं ट्रिक के हिसाब से डिजाइन कर रहा था, अभी इसको थोड़ा देर के लिए रुक जाओ बेटा। पहले में इलेक्ट्रॉन गया 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, क्योंकि यहाँ तक समाया 1, यहाँ तक समाया, यहाँ तक इस इन दोनों में, ये फर्स्ट s का था, इसका सम 1 था, इसका 2 था, फिर 2p आया, और फिर क्या आया? 3s आया। 2p और 3s में दोनों का सम कितना था? 3। तो 2p पहले और 3s बाद में। फिर 4 सम वाले में आ जाओ बेटा, 4 सम वाले में दो लोग हैं, 3p है और कौन है? 4s, 3p है और 4s, तो पहले 3p भरेगा और बाद में कौन भरेगा? 4s, ठीक है ना, 3p भरेगा 4s भरेगा। देखो मैंने लिखा कैसे, 3p यहाँ लिखा है और यहाँ लिख दिया 3d और यहाँ 4s, मतलब यदि फिलिंग ऑर्डर की बात की जाए तो 3d यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे नहीं आना चाहिए बेटा, फिर से समझो, 1s 2s 2p 2p 3s 3p 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4s में, क्योंकि बेटा देखो 4s की वैल्यू 0, 4s की वैल्यू 4 आ रही है और 3d की वैल्यू क्या आ रही है? 5, तो उसमें तो बाद में भरेगा ना। तो यहाँ पे मेरा 3d लिखना ये मतलब ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 3p के बाद क्या आना चाहिए? 4s। तो एक्चुअली ये ट्रिक बनाऊंगा मैं, इसलिए इससे कन्फ्यूज मत होना, ये है करेक्ट ऑर्डर। चलो 4s के बाद 4s 4 पे आ गया, अब 5 पे आ जाओ, 5 पे दो लोग हैं 3d और 4p, बोलो पहले कौन आएगा? 3d, पहले कौन आएगा? 3d के बाद कौन आएगा बेटा? 4p, यस। चलो अब आ गए 4p, अब इसके बाद 6 पे आ जाओ बेटा, 6 देखो बेटा 4s है ना, तो 6 कौन दे रहा है बेटा देखने पास? 4d, कौन दे रहा है? 4d, 6 4d। एक चीज और बेटा, थोड़ी सी और मेरे को टेबल आगे बढ़ा लेनी चाहिए, मेरे को 5 पे जाना चाहिए, 5s, तो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा है 5s। देखो बेटा 5s का कितना आएगा? n कितना है? 5, और s का कितना आएगा? 0। तो किसका कितना आ गया? 5 आ गया, 5 + 0, तो बेटा हम 5 पे ही तो चल रहे थे, तो 4p तक आ गए थे, अब इसके बाद क्या आएगा बेटा? 5s, क्या आएगा? 5s, आ गया समझ में ना? हाँ, तो अपन 5 वाला कर लिए हैं, अब अपन 6 वाले पे आएंगे, अब अपने किसके पे आएंगे? 6 वाले पे। तो 6 वाले में पहला कौन आ रहा है बेटा? 4d, कौन आ रहा है? 4d, तो आगे 4d आएगा, ओके। चलो तो ये है बेटा फिलिंग ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है? फिलिंग ऑर्डर। अब अगर आप एग्जाम में ऐसे बनाने बैठोगे तो सोचो तुम, हम लोग तो यहीं पर 2-2 मिनट कन्फ्यूज हो गए, एग्जाम में तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए ट्रिक मैं बना देता हूँ आपको, सिंपल लिख लो SPDF ऑर्बिटल सबके, जिसके जितने पास होते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, और क्या लिखूं बेटा? 4f, फिर इसके बाद 5s 5p 5d 5f, बोल बेटा, है ना। वैसे 4 तक ही काफी आगे की कहानी मतलब नहीं है। अब देख बेटा, अब आपको क्या लगा है? एरो लगाने हैं, क्या लगाने हैं? एरो उल्टे इस तरफ से, ये देख बेटा, ये एरो डायगोनल बनाने हैं, फर्स्ट में ये हुआ, सेकंड में ये जाएगा, सेकंड में ये जाएगा, ऐसा, क्लियर हुआ? 1s 2s, अब इसको कंट्रीब्यूट करो बेटा, ये देखो ये एरो गया, गया गया, क्लियर हुआ ना। फिर ये ऐसा गया बेटा, एरो गया, अब फिर 3d 4p 5s, ये तीनों को निपटाएगा, मतलब हर एलिमेंट को आपको एरो के हिसाब से देखना है, समझ में आया?
अब देखो बेटा फिलिंग ऑर्डर, सबसे पहला किसमें गया 1s, ये देखो 1s, दूसरा किसमें गया ये 2s, फिर तीसरा किसमें 2p, फिर किसमें इधर 3s, 2p 3s, फिर किसमें गया बेटा 3, फिर 3p 3s चला गया, ठीक है, फिर किसमें गया बेटा 3d के बाद, 4p के बाद 3d कहाँ गया, 3d 4p 5s, समझ में आया ना कि नहीं आया। अब फिर इसके बाद आएगा 4d और फिर आएगा 5p, यहाँ पे आएगा 4d के बाद क्या 5p, तो फिलिंग ऑर्डर समझ में आ गया। ये ट्रिक है बेटा इसको याद रखने की, समझ गए ना, ये इसको ट्रिक है याद रखने की, क्लियर हो गया, यस। अब इसका बात करते हैं एक्सेप्शन की, कि अफबाऊ प्रिंसिपल कहाँ पे फेल हो जाता है बेटा। अफबाऊ प्रिंसिपल किसमें नहीं लगता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अफबाऊ प्रिंसिपल नहीं लगता है, एग्जाम्पल हीलियम प्लस, हाइड्रोजन, लिथियम प्लस प्लस, तो लिख लो बेटा कॉपी में, एक्सेप्शनल अफबाऊ प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अफबाऊ प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्शन हाइड्रोजन एटम, एक्सेप्शन हाइड्रोजन एटम, ओके हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस, एचई प्लस, लिथियम प्लस प्लस, इनमें अपना अफबाऊ प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा, ओके। सो इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वी कैन नॉट अप्लाई द अफबाऊ प्रिंसिपल। ओके तो बेटा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यदि बात की जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यदि एनर्जी का लेवल कैसे नापा जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का लेवल केवल n के बेसिस पे नापा जाएगा, केवल n के बेसिस में। तो लिखो नोट, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वी कैन जज एनर्जी, वी कैन जज एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n ओनली, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो 1 पे होगा या 2 पे होगा या 3 पे होगा, है ना, उसके लिए कोई सबशेल की बात नहीं होगी बेटा, रफ कर रहा हूं ये वाला, तो क्या लिखा है मैंने, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वी कैन नॉट, वी कैन जज एनर्जी, वी कैन जज, कैन नॉट मत लिखना, वी कैन जज एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n, व्हाट इज n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो वी कैन जज एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n ओनली, हम एनर्जी को n के बेसिस पे जज, n के बेसिस पे जज कर पाएंगे, मतलब जितना ज्यादा n होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो लिख लो बेटा, फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज e इज प्रोपोर्शनल टू n, e फॉर एनर्जी, एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। और अभी जो रूल पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, e इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस l, ये बाकी सबके लिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, बाकी सबके लिए, ओके तो बेटा n प्लस l के अकॉर्डिंग अभी तक हमने क्या पढ़ा, n प्लस l के अकॉर्डिंग 2s सबशेल और 2p सबशेल में आपको पता होगा 2p सबशेल की एनर्जी ज्यादा होती थी, होती थी ना, मगर यदि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हो बेटा तो 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी, 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, इक्वल। अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी, बिकॉज इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन में ये केवल n पर डिपेंड करता है, दोनों का n सेम है तो इसलिए एनर्जी दोनों की इक्वल होगी। आगे बात बेटा समझ में, चलिए तो ये था अफबाऊ प्रिंसिपल, इस तरीके से आपको बिल्डिंग जमानी है ना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से होनी है बेटा जी। अब आइए बात करते हैं हुंड्स रूल की, हेडिंग डालिए, कुछ लोग हुंड्स बोलते हैं, कुछ लोग हंड्स बोलते हैं, लिख लिया ना, ओके। नेक्स्ट इज हंड्स रूल, हंड्स रूल, एच यू एन डी एस, बच्चे क्या बताएगा हंड्स रूल, हंड्स रूल, ये हंड्स रूल बताता है हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अभी हमने देखो, अभी हमने सबशेल की डिजाइनिंग करी है, किसकी डिजाइनिंग करी है, कौन सा सबशेल पहले कौन सा सबशेल बाद में, अब आ जाओ सबशेल के भी अंदर, सबशेल के भी अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल, जैसे आपको पता है 1s के बाद अगला सबशेल होता है 2s, फिर उसके बाद
सेल नंबर टू में दो सबसेल होते हैं एस और पी, और फिर थ्री सेल आती है तो उसके अंदर तीन सबसेल होते हैं 3s, 3p और 3d। बोलो बेटा। हाँ, अब 1s सबसेल के अंदर बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s सबसेल के अंदर बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, और 2p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन ऑर्बिटल, px, py और pz। समझ में आया बेटा? तीन ऑर्बिटल इसके अंदर हुआ करते हैं। अब हम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हम किसके अंदर बात कर रहे थे? सबशेल के अंदर। अब हम सबशेल के भी भीतर आ चुके हैं, मतलब हम अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो इसके बारे में हुंस रूल ने बताया था, हुंस ने बताया था। सो हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, वी आर रेडी टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। सो लेट्स सी कि पहले, सबसे पहले हमने जो देखा था कि किस तरीके से सबशेल भरी जाती है बच्चे, तो किस तरीके से सबशेल भरी होती है देखो पहले। बेटा वही बना लेता हूँ मैं, 1s, ओके 1s। बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेसिटी होती है? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इस तरीके से सबशेल s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा? 2, s फर्स्ट सबशेल में, समझ गए ना। सेकेंड में टोटल 2 सबशेल हैं, बट सेकेंड की s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, यस और नो। और सेकेंड ऑर्बिट की पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा देख लो, अगर काउंट करो तुम, तुम्हारा बचपन तुम्हें याद आ जाएगा। फर्स्ट सेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 2। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 8, याद आया। अब इसमें काउंट करोगे बेटा, इसका आएगा 18। कितना आएगा इसका? 18। क्यों आएगा? देखो बेटा, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें कितने? 10, याद आया। क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 कितना आएगा? 18। समझ में आया? तो 2 8 18, ये किसको याद दिला रहा है बेटा? 2n square rule याद आया। 2n square rule क्या था? filling system, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं किसी गिवन शेल में। तो फर्स्ट शेल में कितने होते थे? 2। सेकेंड शेल में कितने होते थे बेटा? 8, याद आया। 1 2 3 4 भरते थे ना, और बाहर वाली शेल में कितने होते थे बेटा मैक्सिमम? 18, 2 8 18। तो ये भी सही है, मतलब ये मैच कर रहा है, हमको हमको अच्छा लग रहा है ये। ओके चलिए आ जाइए, बात करते हैं ट्रिक की। तो 1s, 2s, फिर क्या? 2p, 2p के बाद कितना? 3s, फिर 3p, फिर क्या? 3d। कंफ्यूज मत होना, 4s मत लिख देना, है ना, ये ट्रिक है। फिर 4s, 4p, 4d और क्या बेटा? 4f, हाँ है ना। फिर इसके बाद 5s, 5p, 5d, काफ़ी इतना सीखने के लिए। चलो एरो चलाओ, फर्स्ट ये गया बेटा 1s, फर्स्ट क्या गया? 1s, 1s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, क्योंकि s ऑर्बिटल के अंदर आ चुके हैं हम। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। फिर इसके बाद 2s पे आ जाओ बेटा, तो 2s सेकेंड शेल का s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में? 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2s के बाद 2p, बताओ कितना लगाऊं यहां? 6, ये मैं मैक्सिमम ऑक्यूपेसिटी दिखा रहा हूँ, मतलब कितना मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। चलो जी, फिर इसके बाद आ जाओ 3s, कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा बेटा? 3p, 2p के बाद 3s आ गया, फिर 3p आ गया, 3p 6 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा? 4s2, कितना आएगा? 4s2, आ रहा है समझ में? 4s2, देन इस तरीके से चलता जाएगा। चलो तो बेटा एस सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है मेरा? केवल 2, सॉरी 1। एस सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, याद आया। एस सबसेल के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम परमिट हो सकते हैं? 2, क्लियर हुआ। इट कैन कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बट पी सबसेल हैविंग 3 ऑर्बिटल, पी सबसेल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सबसेल, पी सबसेल, सो पी सबसेल हैविंग 3 ऑर्बिटल, सो इट कैन कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर इज 6, वेरी गुड, सो इट कैन कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट डी सबशेल, सी हियर, 4s2 तो आ गया था बेटा, अब इसके आगे आ जाओ, जरूरत पड़ गई। हाँ ये आ गई बेटा 3d, फिर 4p, फिर 5s, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो फिर आगे क्या आएगा बेटा? बेटा बोलो 3d बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, क्योंकि d ऑर्बिटल जो यहाँ पे है, d ऑर्बिटल में बेटा होते हैं, सॉरी d सबशेल में होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 5 10, डन। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैक्सिमम, इट कैन कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, डन। तो इसमें मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो बेटा अभी तक मैंने यहां पे आपको, ये तो पुरानी बात बताई है, हंस रूल क्या कहता है? हंस रूल फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल बताता है।
अनसोल्ड फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। आइए देखते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होती है। भरना शुरू करते हैं बेटा, वन बाई वन हम फिल करना शुरू करेंगे। बेटा ये ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया ना, 3d10 तक आ चुका है, 3d10 के बाद आएगा 4p, क्या आएगा 4p6 इस तरीके से, ठीक है ना, 3d 4p, फिर आएगा 5s। चलो अब मैं एक एक करके आपको फिल करा रहा हूँ जिससे आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो। चलो सबसे पहले अपन बिल्ड रखते हैं हाइड्रोजन। चलो बच्चों 1s1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 1, मास कितना होता है 1, मास को गोली मारो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे केवल एटॉमिक नंबर से ही काम चल जाएगा बेटा, 1H है। चलो बेटा फिल करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे में जाएगा बेटा S, S सब सेल में, फर्स्ट सेल की S सब सेल में, सीधा क्या आ जाएगा बेटा 1s1, ठीक है ना। सो फर्स्ट S1 है बेटा, इसको यदि आप भरना चाहते हो तो ये ऑर्बिटल बनाओ, क्योंकि S में दो ऑर्बिटल होंगे जिसमें एक में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, समझ गए ना, एक ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक ही इलेक्ट्रॉन अपने पास है, एक फिल हो गया। अब आप सवाल उठा सकते हो सर इसकी स्पिन आपने ऐसी क्यों ली ऊपर वाली, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये ना लेना हो तो आप ये भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, समझ गए जी। चलो नेक्स्ट बेटा देखो हीलियम, हीलियम का क्या होता है बेटा 2He4, अपन को मतलब एटॉमिक नंबर से, मतलब बेटा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जाएंगे 1s2, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2, तो देखो ये गया ये अपसाइड और ये डाउनसाइड, समझ गए, दो इलेक्ट्रॉन चले गए। देन इसके बाद बेटा लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3Li, मास होता है 6, बेटा कैसे जाएगा देखो बेटा, फर्स्ट सब शेल और फर्स्ट सेल पूरी हो गई, बोलो हाँ, ये तो पूरी हो गई, अब इसके बाद इसमें जाना पड़ेगा, क्लियर हो गया ना, यस, तो इसके बाद इसमें जाना पड़ेगा, तो बेटा 2s कितना जाएगा बेटा 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो दो तो इसमें टोटल मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 3 में से एक ही, 3 टोटल है तो 2 और 1 इसमें, इस तरीके से। चलो बनाते हैं बेटा इसको, देखो फर्स्ट शेल पूरी भर गई, ये क्या है बेटा 1s2, और इसके बाद सेकंड की एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 1, आ रहा समझ में ना। चलो नेक्स्ट है बेटा 4 बेरिलियम, तो बेरिलियम का 4 होता है, क्या चलेगा बेटा 1s2 और 2s2, समझ में आ रहा है 1s2 2s2। अब देखो यूं 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 यूं, चलो बेटा 1s2 पूरी भर गई, 2s2 भर गई, अब अगले में कौन सी सबसेल खुलेगी बेटा, पी सबसेल, सेकंड सेल की पी सबसेल, तो चलिए आइए देखते हैं 5 बोरॉन, 1s2 2s2 और क्या बेटा 2p में पहला इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो बेटा ये थे s ऑर्बिटल फर्स्ट सेल का, ये सेकंड शेल का, सेकंड सब शेल का फर्स्ट ऑर्बिटल, अब ये सेकंड शेल की p सब शेल, ये सेकंड शेल की s सब शेल थी, ये फर्स्ट सेल की s सब शेल, अब ये सेकंड शेल की p सब शेल, इसमें कितने ऑर्बिटल 3, कितने ऑर्बिटल 3 बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन तो भर गया, अब हंस रूल की जरूरत होगी आपको, यहां से अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये अपना पहला भर गया, ये दूसरा भर गया, अब आगे जरूरत पड़ेगी हंस रूल की, क्यों जरूरत पड़ेगी, अब आपके मन में सवाल है कि सर अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा या यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, समझ गए ना, या इसके साथ में आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात बेटा, मैं आपको एक बात और बताऊं, बोरॉन का मैंने लिखा था 5 1 2 3 4, एक आना था, तो सवाल उठता है कि सर हम इस एक को इसमें डालें कि इसमें डालें कि इसमें डालें, बोलो बेटा क्या आंसर है, नहीं कहीं भी डाल सकते हो, मैंने बताया था कि तीनों की एनर्जी सेम होती है इसलिए कोई जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा दिखने के लिए अपन फर्स्ट में डालते हैं, कहीं पे भी आप डाल सकते हो, तो बेटा इसी में डाल दो क्योंकि अच्छा दिखे। अब सवाल है अगला कैसा जाएगा, इसके बारे में हंस रूल ने कहा कि अगला इसी में जाएगा या अगला अनपेयर्ड होके जाएगा, बताओ बेटा क्या लग रहा है तुम्हें, अनपेयर्ड होके जाएगा कि पेयर्ड होके जाएगा, अनपेयर्ड होके, बिल्कुल सही लग रहा है, तो अब लिखो हंस रूल, यहां से हंस रूल लिखना पड़ेगा, हंस रूल कहता है इलेक्ट्रॉन प्रेफर्ड टू रिमेन अनपेयर्ड एज फॉर एज पॉसिबल, नो राइट, इलेक्ट्रॉन प्रेफर्ड टू रिमेन अनपेयर्ड एज फॉर एज पॉसिबल, जितना भी हो सके कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन कि हम अनपेयर्ड हों, इलेक्ट्रॉन प्रेफर्ड टू रिमेन अनपेयर्ड एज फॉर एज पॉसिबल, क्लियर हुआ, यस yes. तो चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं, अब जरूरत पड़ेगी कार्बन से, ये बेटा मैंने कार्बन बनाया, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6,
1s2 तो भरेगा ही, 2s2 तो भरेगा, 2p में कितने आएंगे बेटा, 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, चलो बेटा फिल कर देते हैं ऑर्बिटल, 1s2 में पूरे भर गए, ये वाला टैंक भी पूरा भर गया 2s2 ना। ऑर्बिटल सिस्टम की बात करता हूँ बेटा, 2p में फर्स्ट में 1 और क्या बोला, अनपेयर्ड कोशिश करता है जब तक गले तक ना फांस लग जाए, है ना, जब तक अटकी ना पड़े तब तक अनपेयर्ड, तो बेटा ये अनपेयर्ड है, ये क्या है अनपेयर्ड, आया समझ में ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें आप डाल देना, ये आप यहाँ डाल सकते हो या यहाँ डाल सकते हो, समझ गए, अक साथ में नहीं डालोगे, ये हो गया हंट्स रूल, समझ गए। सो हंट्स ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रेफर्ड टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल, ओके, और अच्छी लैंग्वेज में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल आर हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर करना तब पसंद करेंगे जबकि पूरे आधे पूरे ऑर्बिटल इसके जो होंगे, जब तक कि जब ये पूरे तीनों पार्ट या जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हाफ फील्ड ना हो गए हों, जब तक हाफ फील्ड नहीं होते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक हाफ फील्ड नहीं होते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, क्लियर हुआ जी मेरी बातें, यस। सो व्हाट आई एम सेड, आई सेड दैट इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल आर हाफ फील्ड विद पैरेलल स्पिन, विद पैरेलल स्पिन मतलब पेयरिंग नेक्स्ट तभी शुरू होगी जब आपके पास जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सेमी फील्ड हो जाएं, यस, इसके बाद आएगा पेयरिंग का नंबर, अब इसके बाद पेयर होंगे। अब आप सोचो कि यदि ये खाली और ये पेयर हो जाए, नो वे, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओके, पहले आपको इसको फिल करना पड़ेगा, तब आपकी 3p में आगे फिक्स होगी, तब आप पेयर होना। अगर d की बात करो तो d ऑर्बिटल में बेटा कितने होते हैं, सॉरी d शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो d शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, तो मान लो यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा क्या वो इसके साथ आएगा क्या, नो, पहले वो अनफिल्ड को सेमी फिल्ड करेगा, समझ गया ना, पहले उसको सेमी फिल्ड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, ये है हंट्स रूल, यहाँ पे इसकी जरूरत हुई। चलिए आइए, तो कार्बन का बता चुके थे ना, अब बताते हैं अपन नाइट्रोजन का, किसका बताते हैं, नाइट्रोजन का, डन करें, ऊपर का मिटा देता हूँ बेटा, चलो मिटा दिया मैंने, आ जाओ नाइट्रोजन में फटाफट, नाइट्रोजन 7N14 ये होता है, ओके, नाउ 1s2 एक में दो, 2s2 भर गए, 2p 4 और 3 7, 3 समझ में आ गया ना, तो चलिए डिब्बा बनाऊं 1s2 का, यहाँ बना लेता हूँ जगह, फर्स्ट s2 का ये बन गया बेटा, दिस इज 1s2, नाउ दिस इज 2s2, ओके, ये मिट्टा का के मैंने बनाया बेटा p की ब्लॉक, 1 2 3, 2p क्या भरना बेटा, 3, क्या है ये 3 बेटा, 1 2 3, समझ में आ गया बेटा, आप ध्यान से देखो ये जो पी की जिसकी ऑर्बिटल है ये कैसी, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ है, सेमी फील्ड है, याद रखना बेटा, ऐसी जो सेमी फील्ड ऑर्बिटल होती है ना, जो टोटली भरी होती है बट आधी होती हैं, ये पार्शियली फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो दो ऑर्बिटल बहुत स्टेबल होती हैं, एक सेमी फील्ड और दूसरा फुल्ली फील्ड, समझ रहे हो, एक सेमी फील्ड और फुल्ली फील्ड। तो मैं तुमसे वही पूछूं कि मेरे पास दो सिस्टम दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बताओ ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, यस, फर्स्ट वाला जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें सेमी फील्ड है और ये पार्शियली फील्ड कह सकते हैं इसको, समझ गए ना, बट ये तो एग्जैक्टली सेमी है ना, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा चलो नाइट्रोजन का बना लिया, नाइट्रोजन के बाद अगला कौन सा आता है, लंबी सांस खींचो, ऑक्सीजन, ओके, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, 8O16, चलो बेटा 8 हैं, 8 भरने हैं, तो पहला 1s2 पूरा भर गया, 2s2 पूरा भर गया, इसके बाद इसमें कितने आएंगे, 4, क्योंकि 4 तो हो चुके हैं, तो 2p4, बेटा ये मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, ये तो सेम रहेगा ना, केवल p ऑर्बिटल की बारी है, तो बेटा नाइट्रोजन के टाइम में तो 3 तो भर चुके थे, 1 2 3, बोलो हाँ, अब इसके बाद एक और भरना है, बताओ किसको दे दूँ, इसको या इसको या इसको, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है, फर्क वही पड़ेगा, समझ में आ गया ना, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, बस अच्छा लगने के लिए इसमें डालते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, कौन होता है नेक्स्ट, 9 नंबर पे फ्लोरीन, कौन होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है, तो 1s2 2s2 2p5, तो बेटा फिर से यही बनेगा, यहाँ पे 2 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, आ गया समझ में ना। देन इसके बाद आता है नियॉन, क्या आता है नियॉन,
तो नियॉन आता है, तो देखो 10, फिर क्या आ गया नियॉन, तो 1s2, 2s2 और 2p6, मतलब सेकेंड शेल भी क्या हो गई फिल। पहली शेल कहां पर फिल हुई थी बेटा, हीलियम के केस में। सेकेंड शेल कहां पे फिल हो रही है बेटा, नियॉन के केस में, मतलब ये क्या हो गया नोबल गैस, ये भी क्या हो गई नोबल गैस, इनर्ट गैस। तो बेटा ये इनर्ट स्ट्रक्चर को गेन कर लेगा, देखो पूरे पूरे भर गए 1s2, 2s2, 2p6। फर्स्ट सेल में किसी की एंट्री पॉसिबल है? नो, पूरा भर गया। क्या सेकंड सेल में किसी की एंट्री पॉसिबल है? नो, पूरा भर गया, क्योंकि तो सेकंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, और 6 और 2 8 पूरे हो गए हैं, मजे मारो। तो चलो ये देखो फर्स्ट सेल पूरी, सेकंड सब सेल एस पूरा, पी का बात कर रहे थे अपन, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या 6 पूरे हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 2p6। क्या आया हंट्स रूल समझ में? हंट्स रूल समझ में आया कि जब तक इलेक्ट्रॉन पूरे आधे पेयर नहीं हो, आधे नहीं भर जाते हैं, सेमी फिल्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है। पेयरिंग के लिए आधा भरा जाना जरूरी है। बोलो आ गया समझ में ना बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कोई नई बात नहीं है बेटा, ये जो मैं लिख रहा था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, और ये जो बना रहा था ये इसका स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया ना? ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑर्बिटल। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहां तक लेके आ गए थे बेटा? नियॉन तक। कहां तक लेके आ गए थे? नियॉन तक। अब हम उसके आगे जाएंगे, अब हम उसके आगे जाएंगे। ओके, तो बच्चे लोग देखो कहां तक हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन तक का। कहां तक देख लिया? नियॉन तक का। ये देखो नियॉन का है। अब आगे देखते हैं नियॉन के आगे, है ना? ये तो लिखी हुई लिस्ट किस तरीके से भरना है। 2p6 तक पूरा भर गया था, 2p6 तक पूरा भर गया था। चलो नियॉन के आगे देख लो बेटा, नियॉन के आगे 11 पे आता है बेटा 11 सोडियम Na, 11। 12 पे आता है बेटा Mg। 13 पे क्या? एल्यूमिनियम। 14 पे क्या? सिलिकॉन। 15 पे क्या? फॉस्फोरस। 16 पे बेटा सल्फर। 17 पे क्या आएगा बेटा? क्लोरीन। और 18 पे आएगा क्या बेटा? आर्गन। ठीक है बेटा, चलो स्ट्रक्चर लिखता जाता हूँ बेटा मैं। इसको भरने के पहले अपन सेकेंड शेल पूरी भर लिए थे, 1s2 कंप्लीट, 2s2 कंप्लीट और 2p6 भी कंप्लीट। अब आइए देखा बेटा 2p6 हो चुकी है, अब किसका खाता खुलेगा? 3s का। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 10 तो यही है, तो बेटा क्या होगा? 3s1। क्या मिलेगा? 3s1। अगला देखिए बेटा 1s2, 2s2, 2p6, क्या होगा बेटा बोलो? 3s2। आया ना समझ में? एस पूरी फिल हो गई। अब चलो पी की बारी आ गई। किसकी बारी? पी की बारी। अब देखेंगे बेटा, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तक पूरा फिल हो गया। इसके बाद कितना आएगा बेटा? 3s2। अब फिर क्या आएगा? 3p1। तो 2, 1, 3 ये पहुँच गए 13 पे। किस पे पहुँच गए? 13 पे। देन सिलिकॉन, ये पूरा फिल है 3s2 एंड 3p2। यस और नो? यदि इसके बॉक्स में बना दूँ तो 3s2 का पूरा, ये तो पुराना रहेगा, 3s2 का देखो बेटा ऐसे बनेगा। और पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं 1, 2, 3, तो इसमें 1 जाएगा, इस वाले में कितना जाएगा बेटा? अनपेयर्ड होके 1 एंड 1 2, ठीक है ना, जब तक पूरी पेयरिंग ना हो जाए। देन 15p बेटा पूरा गया 3s2 3p3, बोलो यस। देन 16 में बेटा 3s2 3p4, अब हो जाएगी पेयरिंग, क्योंकि 1 बेटा 1 2 3 और ये चौथा आ जाएगा क्या? 4। आ रहा समझ में? देन बेटा क्लोरीन में देखो बेटा, क्लोरीन में 3s2 और 3p5, तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा बेटा, फिल हो जाएगा, है ना, इस वाले में। क्लियर है ना? देन लास्ट 18 आर्गन का देखो बेटा 3s2 एंड 3p6, फुल हो गई, ऑर्बिट फुल हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑर्बिट फुल हो जाएगी इसकी। हम पहुंच गए 18 आर्गन तक। अब चलते हैं बेटा, ये था पी ब्लॉक, यहां तक क्या था? पी ब्लॉक। तो ये जितने एलिमेंट अपन ने भरे यही पी ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल फिल हो रहा था। अब देखो 3p के बाद कौन आएगा? 4s। कौन आएगा? 4s। आ रहा ना बेटा? चलो तो नेक्स्ट आता है बेटा 19। क्या आता है? 19 पोटेशियम। एस ब्लॉक में आता है बेटा पोटेशियम, क्योंकि एस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3p6 तक तो पूरा ही चलेगा, 3s2 3p6। अब कौन सा आएगा बेटा? हाँ 3d नहीं आता है, क्योंकि एनर्जी लेवल दोनों की 4 4, है ना, इसकी भी 4 थी इसकी भी 4 थी, याद आया? इसकी तो 5 हो गई थी ना, तो 4 की वजह से 4s आएगा।
क्लियर ना? हाँ तो चलो बेटा किस में आएगा, 4s1, 4s1 s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आएगा बेटा 20, क्या होता है, कैल्शियम, 20 कैल्शियम, तो 3s2 3p6 एंड क्या हो जाएगा बेटा 4s2। आ गया समझ में, क्लियर हो गया? तो ये बेटा 20 तक इलेक्ट्रॉनिक नंबर तो सबको बच्चों को 10th क्लास तक ही याद करा दिए जाते हैं। अब हम आते हैं 21 पे, तो आपको सीधी बात पता चल रही है बेटा, डी ऑर्बिटल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब डी ऑर्बिटल खुलने वाला है, मतलब डी ब्लॉक की तरफ हम चलेंगे, ठीक है ना? तो मैं आपको ट्रिक याद करा देता हूँ बेटा, ट्रिक देखो याद कर लो। ओके, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम मतलब 21, ओके ऐसा लिख देता हूँ बेटा मैं वर्टिकल में, तो मुझे भी काम में आ जाएगा। स्कैंडियम 21, 20 तक आ गए थे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 21, 22, 23, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक, ठीक है ना? ट्रिक मैंने कैसे याद कर रखा है, साइंस टीचर विनीता कृपालनी, समझ गए ना? साइंस टीचर विनीता कृपालनी, मन फेकोनी, मन फेकोनी, क्यों झगड़ना, क्यों झगड़ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक ना? अब देख बेटा, अपन को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो जहां तक था वहां तक तो पूरा सेम चलेगा, कहां तक बेटा, यहां तक। बोलो 20 तक आ गए थे ना, याद है कि नहीं याद है, 20 तक आ गए थे। अब बेटा स्ट्रक्चर जो रहेगी, अब 3D में जाने वाला है, तो पहले में क्या 3D1, क्या होगा 3D1, तो देखो बेटा मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1, ठीक है बेटा? अब मैं लास्ट के केवल दो सबशेल उठाऊंगा, एक 4s और एक 3d, क्योंकि पुराने तो हिलेंगे भी नहीं, बस मैं ये उठाऊंगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, 1s2, क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ तक सेम चलेगा बेटा, 4s2 और क्या 3d2, समझ गया बेटा? अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हो, पुराना तो पूरा सेम चलेगा, मेन देखो बेटा 4s का, ये 4s है तो दो भर गए इसमें, ये ऐसे थोड़ा इधर बनाओ सर जी, ये देखो बेटा 4s के दो भर गए और छोटा कर दिया 4s2। अब 3d के कितने डिब्बे बनेंगे बेटा, पाँच, कितने बनेंगे, पाँच, 1 2 3 4, लास्ट वाला 5, तो बेटा इसमें गया एक, इसमें गया एक, लास्ट वाले में देखो बेटा आ जाएंगे दो, एक ऐसा और एक ऐसा, समझ में आया, 3d2, इसमें बच्चे 4s2, 3d3, 4s2, 3d4, बोलो आया समझ में? अब सुनो बेटा होता क्या है, अब होगा जलवा, यहाँ पे लगाओ स्टार, क्या लगाओ बेटा स्टार, क्यों लगाया बेटा? ये क्रोमियम जो है एक्सेप्शनल केस है, कौन सा केस है, एक्सेप्शनल केस, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये जो आपको दिख रहा है ये नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग हो जाएगा। देखो होता क्या बेटा, यहाँ पे 4s2 ये है और 3d4, मतलब 1 2 3 4, देखो बेटा 5, 1 2 3 4, 2 इस पे गए 4 इस पे गए, बोलो एग्री कि नॉट एग्री बेटा? यदि मैं इस s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुदवा दूँ तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखो नई वाली ये है, रॉन्ग वाली, राइट वाली कौन सी है बेटा, एक ये गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कूद जाएगा, 1 2 3 4 5, देखिए आया बेटा समझ में? मतलब क्या हो रहा है, 4s1 और 3d5, वैसे काउंट करो बेटा तो 2 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, अभी भी काउंट करो बेटा 1 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, बट मेरे बच्चे फायदा क्या है, फायदा ये है कि ये भी सेमी फील्ड है, ये भी सेमी फील्ड है, बोलो हाँ, पिछले बार सेमी फील्ड ये तो था बट ये फील्ड नहीं था, सेमी फील्ड नहीं था, मतलब इसकी एनर्जी जो रही है ज्यादा रही है, और सेमी फील्ड होने के कारण ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी हो गई कम, मतलब ये हो गया मोर स्टेबल, क्या हो गया, मैंने बोला था ना सेमी फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, पिछले केस में ये तो सेमी, ये तो फील्ड था, ये क्या था फील्ड, बट ये कैसा था अनफील्ड, ये क्या था अनफील्ड, हाँ या ना? अब ये कैसा है बेटा सेमी फील्ड, ये किस कैसा है सेमी फील्ड है, और ये कैसा है सेमी फील्ड है, मैंने क्या बोला था सेमी फील्ड की एनर्जी क्या होती कम, कम एनर्जी मतलब स्टेबल,
कम एनर्जी मतलब स्टेबल। तो बेटा जब ये बताओ, जब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। तो बेटा ये जो है चेंज होकर के आ जाएगा, इसका सही होगा क्या 4s1 और 3d, आ गया समझ में? तो एक्सेप्शनल केस, पुराना तो पूरा वही चलेगा, इसका नया इधर चलेगा 4s1 एंड 3d5। डन, क्लियर हुआ? चलो गुड, नेक्स्ट। ओके अगला 25 मैंगनीज, वही है फिर तो ठीक है, फिर उसी भरने में आ जाओ, है ना। मैंगनीज देख लो बेटा, मैंगनीज 25, इसको मैं मिटा दूंगा पुराना, पुराने वाले की जगह नया लिख लेता हूँ 4s1 एंड 3d5। चलो मैंगनीज क्या हो जाएगा बेटा, 4s2 तो था ही, बोलो हाँ हो रहा था, 3d4 यहाँ पे, अब यहाँ जाएगा क्या 3d5, 4s2 3d5, गिन लो बेटा, हो रहा ना सही 4s2 3d5, क्लियर है? 25 मैंगनीज हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब चलिए को आयरन क्या है बेटा, आयरन बिल्कुल सेम टू सेम 4s2 3d6, क्लियर है बेटा? स्टार लगा लेना क्रोमियम पे, एक्सेप्शनल केस है। फिर इसके बाद बेटा कोबाल्ट 4s2 3d7, बोलो हाँ 4s2 3d7, ठीक है ना। देन इसके बाद निकिल 4s2 3d8, कॉपर 4s2 3d9, समझ में आया 4s2 3d9। अब फिर से यहाँ पे कुछ होने वाला है, फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है। देखो भाई क्या होने वाला है बच्चों, कॉपर में फिर से आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये है फील्ड है, ये सेम ये फील्ड है, और ये कैसा है पार्शियली फील्ड है, मतलब पूरा फील्ड नहीं है। तो कॉपर क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अपना, और नया स्ट्रक्चर क्या अटेन कर लेगा बेटा, बोलो 4s1 एंड 3d10। ऐसा करने से ये क्या हो गया बेटा, सेमी फील्ड, और ये हो गया बेटा फुल फील्ड। तो बताओ बेटा कंपेरेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि यदि आप इसकी स्ट्रक्चर देखो बेटा तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी 4s1 की बेटा, ऐसी, बोलो हाँ। और 3d10 मतलब d के पांच ऑर्बिटल क्या हो चुके होंगे, भर चुके होंगे, तो d के पांच ऑर्बिटल फिल कर दो 1 2 3, टक 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 और टक टक, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, तो हो गया क्या बच्चों 3d10। तो फिर से एक्सेप्शनल केस बनाओ मेरे बच्चों, 29 में 4s2 3d9 नहीं चलेगा, क्या चलेगा 4s1 3d10, 4s1 3d10, यही आते हैं बेटा पूछने को, 4s1 3d10, 4s1 3d10, 4s1 3d10 एंड 4s1 3d5, क्रोमियम का 4s1 3d5 एंड कॉपर का 4s1 3d10, क्लियर है? लास्ट में आ जाता है बेटा जिंक 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 जिंक, चलो पूरा का पूरा वही चलेगा बेटा। तो हो गया लास्ट में क्या 4s2 और 3d10, डन 4s2 3d10 बन जाएगा बेटा। तो ये रहे आपके टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। बोलो अच्छे समझ में आया? चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस, स्टे ट्यून्ड विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, टिल देन बाय बाय।